भाई क्या कहना है भाई, क्या है ये 20-22 लाख रुपए की गाड़ी है, इसमें क्या फैमिली लेके चलोगे भाई? तो ये देखो, ये आज की वीडियो अगेन अपने आज किया पे होगी। अगेन क्या कह रहा हूँ, बहुत दिन हो गए किया पे, और आज की वीडियो के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, टाइम नहीं लग रहा था। और आज की वीडियो में देखो दो तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो किया का सर्विस एक्सपीरियंस आज हम जानने वाले हैं, तो वो हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद किया के सर्विस एक्सपीरियंस क्यों जानेंगे बेसिकली, वो पहले बताता हूँ। इसके जो वाइपर ब्लेड्स देख पा रहे होगे, ये देख रहे हो, इसके दोनों वाइपर ब्लेड्स तो आगे तो खराब हो ही चुके हैं, और इसके पीछे का भी जो वाइपर ब्लेड है वो हो चुका है खराब, ये देख लो ये भी टूट चुका है। तो ये तीनों जो है चेंज कराना। दूसरी चीज़ है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर क्या है वो उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी ऑलरेडी, ये देख लो UVO। तो जो वो काम है वो है हमें UVO को जो है रिचार्ज करवाना है। देखते हैं क्या इसका सर्विस प्लान रहता है। मैंने यूट्यूब पर बहुत ढूंढा कि क्या सर्विस प्लान वगैरह जो है रहता है हमारे UVO का, तो उसका ऐसा मुझे कुछ यूट्यूब पर मिला नहीं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद ही करा लेता हूँ और आपको भी शेयर करूँगा कि क्या इसका सर्विस प्लान वगैरह रहता है एक साल का, जो भी मतलब इनका जो कॉस्ट रहता है, क्योंकि देख रहे हो ये रेड डॉट जो अच्छा नहीं लगता है। चलिए चलते हैं यार किया के शोरूम, कैसा एक्सपीरियंस है। मैं अभी हूँ ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में NRL किया है, देखते हैं उसका ट्राई करते हैं, पहली बार एक्सपीरियंस लूँगा मैं भी। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आ चुके हैं फाइनली किया के सर्विस सेंटर पे, NRL किया देख लो, और देखते हैं वेट करते हैं क्या कहते हैं भाई। यही है देखो, अभी भी खड़ी है, पता नहीं क्या हो गया, हॉर्न तो मार रहा हूँ मैं, सर्विस पे गाड़ी लेके जानी है पर ये खोल नहीं रहे। इनकी भीड़ है क्या है, शॉप टाइमिंग वर्कशॉप टाइमिंग है 9:30-6:30, 7 दिन ओपन। चलो देखते हैं क्या होता है, हमें ज़्यादा कुछ कराना तो है नहीं, वॉशिंग करेंगे नहीं। चलो गाइज आ चुके हैं गाड़ी लेके अंदर, मैं पहली बार आऊँगा लिटरली पहली बार। चलो भीड़ तो फिर भी कम है सैटरडे के हिसाब से। गाड़ी कहाँ लगानी है कुछ लगता है गाड़ी से, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, गड़ा रह गया क्या सिस्टम भाई। आ गया इसको वाइपर चेंज करवानी है इसके, आया मैं कर दिया गया है, और छाया में लगाएंगे हम गाड़ी को। सोनेट खड़ी है, क्या बात है, ये शेर ही गया था सोनेट को भी, रेड क्रीम रेड और तगड़ा बनाया। लेकिन किया सर्विस गई उधर दिखा, दिख रहा किया का सर्विस जो लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ना सारी गाड़ियाँ किस तरीके से सर्विस हो रही है, खाली तो है शोरूम, खाली खाली सही है, फ़ायदा देखो ऐसी जगह लाने का ना, खाली खाली से रहता है, ठीक है। यहाँ पे ना ज़्यादा भीड़ है नहीं, महिंद्रा की तरह तो है नहीं। देखो भाई फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं प्रॉपर से गाड़ी का, फिर ड्यूटी वगैरह करते हैं, उसके बाद एंट्री वगैरह हो जाए फिर देखते हैं। सोनेट दिख रही है, मोस्टली सोनेट दिख रही है, और सेल्टो से चलो है ही, पर यहाँ मुझे सोनेट दिख रहा है, वो उल्टा होना चाहिए था। चलो एक बार ये एंट्री करा लें, उसके बाद थोड़ा फैन स्पीड भी आपको आ रहा होगा थोड़ा यार, अभी गर्मी इतनी है, अभी बाहर का टेम्परेचर 46 हो रहा है, देख रहे 46 डिग्री हो रहा है, गाड़ी बंद भी नहीं कर सकती इतनी गर्मी हो रखी है, और एवरेज तो ये दे ही रही है इतनी बढ़िया देख ही रही हो। चलो बात करते हैं। हाँ भैया रीडिंग 90,121। रिसेप्शन पे गाड़ी नहीं लगा दूँ, ठीक है चलते हैं यार रिसेप्शन पे। पर्चे दिखाइयो, पर्चे पे सब कुछ लिख दिया है, चलते हैं गाड़ी रिसेप्शन पे लिख। चलो भाई चला जाए यार, वहाँ से तो करवा के आ गए। बिलिंग क्या है 1200 रुपये कह रहे, तीनों पड़ेंगे सेट, और मैंने बोला UVO के लिए रिन्यू कराया, कह रहे वो आपको शोरूम मतलब सेल्स टीम जो इनकी वो अपोजिट साइड बैठती है तो वहाँ जाना पड़ेगा, तो अभी यहीं पर उन्होंने बोल दिया है वो आएगा ले कर देगा इसकी तीनों वाइपर्स चेंज, फिर चलते हैं सेल्स पे और प्रॉपर डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है, अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, चाहे कितना नहीं मना करे, गाड़ी तो मेरी है, मेरी गाड़ी पे कर रहे हैं, और देखते हैं कैसे क्या करते हैं फटाफट। और मैंने इनसे पूछा है मुझे ना रियर कर्टेन चाहिए था, तो वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, और वही मैं उसी के लिए पूछ रहा था। देखो यहाँ पर गाड़ियाँ इस तरीके सर्विस हो रही है, और गाड़ियाँ बहुत कम सबसे बढ़िया मुझे अभी तक तो ये लग रही है, यहाँ भीड़ भी नहीं है, काम भी तुरंत हो जाएगा, अभी तुरंत इन्होंने इनिशिएट कर दिया, तुरंत देने लग जाएगा,
वही तो ये है इनके इंटीरियर, गाड़ियाँ खुली उधर बॉडी शॉप वगैरह भी है। बहुत सही मतलब अच्छा बड़ा एरिया उन्होंने ले रखा है, मतलब सर्विस बहुत सही है। पता नहीं क्या कर रहे हैं लेकिन भाई ये सेल्टोस एक्सट्राइन है हमारी, नंबर प्लेट वगैरह उसकी वहीं पर पड़ी है। पूरी गाड़ी शायद डिसमेंटल कर रहे हैं जहाँ तक लग रही है, पूरी खूब निकाल के भाई क्या कहना है भाई, क्या है ये 20-22 लाख रुपये की गाड़ी है, इसमें क्या फैमिली लेके चलोगे भाई तुम? ये देखो ये बढ़िया है, यहाँ पे आए हैं कस्टमर रूम से हमारे किया गया, काफ़ी बड़ी एसी वगैरह है, कॉफ़ी वगैरह मशीन है, तो अपना बनाओ पियो। अरे मजाक कर रहा हूँ, मतलब कोई आके दे देगा भी कॉफ़ी वगैरह। और उधर कस्टमर लॉन्च है, ओनर लॉन्च है, दो लॉन्च है, हम तो ओनर वाले में घुस गए। चलो इधर से गाड़ी वगैरह देखते, पर हमारे यहाँ तो काम वाम है नहीं। आपने प्रीवियस क्लिप देखी होगी सेल्टोस एक्स लाइन की, क्या ही भयंकर थी, इसलिए मैं वहाँ से आ गया, ज़्यादा देख रहा लड़ पाता। आफ्टर स्पेंडिंग 25 लाख इनका डब्बा भाई, मतलब 2 mm की थिकनेस नहीं है सीट की। अरे भाई वो सब कुछ निकाल दिया ना। हाँ तो भाई चेजिस में 2 mm थिकनेस। अरे ये किया हेटर और कुछ नहीं है ये, इसको बस फॉर्चुनर के लोग गाड़ी नहीं समझ आती इसको, और ये अपनी ब्रीदा को बेकार कह रहे हैं 4-star गाड़ी को, इसने राज कह दी। तो भाई चलो देखते हैं यार, अभी गेट पास वगैरह बन रहा कह रहे, फिर आता है वो बंदा कर देगा फटाफट, फिर चलेंगे सेल्स पे। ये गुरुजी नूब है, कॉफ़ी तो पीनी बनती नहीं, इनसे मशीन में गए वहाँ पर दूध निकाल गरम दूध वहाँ रख दिया वहाँ पर जाके। अरे तो ला रहे हैं ना भाई, कंपनी है भाई, थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी कंपनी है, मारुति से छोटी है बस। तो भाई अभी देखते हैं, कॉफ़ी वॉफी वहीं पे छोड़ा है। यहाँ पे वाइपर लग रहे हैं, पहला तो लग गया है यहाँ पे, यहाँ पे वापस रख रहे हैं ये बाकी के दो कपड़े। लगा देंगे भाई यहाँ फटाफट। तो भाई वीडियो मैं अब रख लूँगा, खुद ही लगा लिया करूँगा घर पे। ये मस्त, इसमें एरो ट्यून नहीं आते, एरो ट्यून है ना वो मोटे वाले जो आते हैं तगड़े हैं। चलाओ ला के एक बार देख लेंगे, आवाज़ तो नहीं कर रही। कंपनी से आया, पीछे का भी लग चुका है गाइस।